काली ऊंचा महल उठाया है, ऊंचा महल उठाया है, ऊंचा महल उठाया है। चट्टानों में फूल खिलाए, शहर बसाए जंगल में, अपने चौड़े कंधों पर दुनिया को यहाँ तक लाया है, अपने चौड़े कंधों पर दुनिया को यहाँ तक लाया है। बाकी फौज तुम्हें रोकी है, बाकी फौज तुम्हें रोकी है, तू है नहीं भेड़ों का गोल। बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, भाई हल्ला बोल, भाई हल्ला बोल। नमस्कार, न्यूज़ तेलंगाना में स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं साहेबाबाद इंडस्ट्रियल इलाके में, अंबेडकर पार्क में मौजूद है, जहां हर साल जो पिछले 34 सालों से सफदर हाशमी के शहादत दिवस के दिन यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां मजदूर किसान और जो कलाकारों के बीच एकता की बात है उसको दोहराई जाती है, और उसको लेके लगातार कलाकार और मजदूर नेता यहाँ जुटते हैं। इस वर्ष भी ऐसा ही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना केवल मजदूर कलाकार, इसके अलावा जो बड़ी हस्तियाँ होती किसान नेता मजदूर नेता पहुँचते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं। ये वो मसाल है जिसको कई दशक पहले सफदर हाशमी ने जलाई थी, और जहाँ जब उन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक के जरिए मजदूरों के हक की बात कहनी शुरू करी, उनके जो मुद्दे थे उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उठाना शुरू किया, उन्होंने मजदूर और कलाकारों के बीच में एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, जो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी बातें जो मजदूरों को आसान भाषा में समझाया नहीं जा सकता, उसको नाटक के माध्यम से लोगों के समाज के बीच में लेके सफदर हाशमी जाते थे। और आज से 35 साल पहले ही इसी जगह पर जब सफदर हाशमी मजदूरों को लेकर एक नाटक कर रहे थे, तो उस समय सत्ता पोषित जो गुंडे थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। सिर्फ उस दिन सफदर हाशमी की हत्या नहीं की गई, उस समय उनके साथ नाटक देख रहे एक राम बहादुर जो मजदूर थे उनकी भी हत्या की गई थी। इन दोनों की याद में इस तरह कार्यक्रम दिल्ली में भी होते हैं, जहाँ सिविल सोसाइटी के लोग जुटते हैं। दिल्ली में भी जो सहमत नाम का एक संगठन है वो इस तरह कार्यक्रम आयोजन करता है, और यहाँ पे जो है जो साहेबाबाद इंडस्ट्रियल इलाका जिस जगह जिस पार्क में सफदर की हत्या की गई थी, उस हत्या वाली जगह पर जो जन्म उनका बनाया हुआ समूह था वो, उसके अलावा अन्य संस्कृति मंच और मजदूर संगठन के लोग पहुँचते हैं और अपनी सॉलिडरिटी और उनको याद करते हुए आने वाले समय में जो उनके लिए संघर्ष और चुनौतियाँ हैं मजदूरों और समाज के बीच में, उस पर चर्चा करते हैं, और जो उन्होंने मसाल जलाई थी उसको आगे ले जाने की बात होती है। इस वर्ष भी ऐसा ही है, इस पार्क में मौजूद जो जन संगठन से जुड़े लोग हैं, जो जन संस्कृति कर्मी हैं, उसके अलावा मजदूर हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझने को आज मजदूरों के समय क्या चुनौती है, आज के समय में सफदर को कैसे याद किया जा रहा है, और सफदर ने जो आज से कई दशक पहले जो बातें कही थी वो आज कितनी प्रासंगिक है, सुनिए पूरी बातचीत में उन्होंने क्या कहा। आज से 35 साल पहले इसी जगह पर झंडापुर में साहिबाबाद में हम लोग जननाट्य मंच के साथ ही हम नाटक करने आए थे, और हमला हुआ था हम पर, जिसमें कॉमरेड सफदर हाशमी और एक मजदूर राम बहादुर इनकी हत्या कर दी गई थी। अब 35 साल हो चुके हैं, और 35 साल से लगातार जननाट्य मंच और CITU हर साल 1 जनवरी को यहाँ पर आता है, और हम लोग सफदर की याद में, राम बहादुर की याद में या आम सभा नाटक वगैरह करते हैं। इसका उद्देश्य कुल मिला के सिर्फ ये नहीं है कि सफदर की शहादत को हम याद रखें, राम बहादुर की शहादत को याद करें, बल्कि ये भी है कि मजदूरों और कलाकारों की जो एकजुटता है उसको और मजबूत बनाएं। कॉमरेड सफदर हाशमी, उनकी मौत और उनकी ज़िंदगी जो है वो अब 50 साल हो गए हैं जननाट्य मंच को काम करते हुए, उसमें उतनी प्रेरणा देती है हमें, और आज के दौर में सफदर को हम और भी ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हमला नागरिकों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, कलाकारों के ऊपर चल रहा है, मजदूरों के ऊपर चल रहा है, उसके अंदर ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी से और भी प्रेरणा लेने की, ताकि जो सरकार जिस तरह से लगातार नागरिक कानूनों का हनन कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रही है, उसके अंदर हमें ज़रूरी लगता है कि संघर्ष के जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को से बार बार प्रेरणा लेने के लिए हम यहाँ पे हर साल आते हैं। तो मुझे लगता है कि सफदर और सफदर जैसे और लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है जनता के बीच में काम करते हुए, उनको याद करना आज के दौर में और भी ज़रूरी है। असूल सिद्धांतों के लिए सफदर शहीद हुए, जनता की न्याय के लिए
जनता की बराबरी के अधिकार के लिए, विशेषकर मजदूर किसानों के संघर्षों को एक राजनीतिक रूप देकर नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज हमारी केंद्र सरकार ऐसी सरकार है जो इन असूलों पर ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं। हमारे देश की संविधान, हमारे देश की जनवादी प्रणाली, हमारे देश की फ्रीडम्स पर, आज़ादी पर एक ज़बरदस्त हमला है। और आज हम उन तमाम साथियों को भी सलाम करते हैं जो जेल में बंद है, UAPA जैसे काले कानून को इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके जिस तरह सरकार ने बंद किया है, प्रबीर पुरकायस्थ जैसे हमारे प्रमुख बुद्धिजीवियों में, क्योंकि सफदर हमेशा हमेशा इस बात पर विश्वास जताते थे कि बुद्धिजीवी और मजदूर वर्ग के आंदोलन का जो एक पुल बनना चाहिए बुद्धिजीवी, और आज प्रबीर उसी प्रकार के बुद्धिजीवी और उनके साथ और बहुत हैं, उनके ऊपर जो हमला हो रहा है उसकी निंदा करते हुए हम सफदर को याद करते हैं। सफदर जी को तो याद करने का तो दिन है ही, क्योंकि कॉमरेड सफदर ने पूरे न सिर्फ सांस्कृतिक आंदोलन के लिए लेकिन पूरे देश के जनवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इन सब इन वसूलों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था। और आज के रोज़ में जो उनको याद करना, इसका मतलब इस संविधान की रक्षा करना, जनवाद की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना, और जिन मेहनत कशों के लिए सफदर जी ने अपना पूरा ज़िंदगी दे दी, ये मेहनत कशों को, अधिकारों को बरकरार रखना, ये आज बहुत ज़रूरी बात हो गई है। और ये इसके अंदर हम देखते हैं कि आज के दिन पूरी तरीके से हमले, ये जो आज की BJP RSS की केंद्र सरकार है, ये हर संविधान के सवाल के ऊपर आज ये हमले चढ़ा रही है, और इन्हीं इसके ख़िलाफ़ में आज हमें लड़ना होगा। पूरे देश के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले हैं, इन सब को इकट्ठा करके आज उनको एक मजदूर किसान एकता के इसके अंदर इनको एक साथ में लाना होगा। मजदूरों और कलाकारों का जो आपस का जो मेल जोल है वो तो बहुत पुराना है, ये कोई नई संस्कृति नहीं है। जननाट्य मंच भी इसको 1973 और इनफैक्ट उससे भी पहले से उसको करता आया है, लेकिन आज के दौर के अंदर जब मजदूरों के काम को लेके जो ये लेबर कानून आ रहे हैं उसके बीच में हम अपने नाटकों को इस तरह से बना रहे हैं कि उन मुद्दों के ऊपर हम काम कर पाए। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जिस तरह से पूंजीपतियों और सरकार के बीच का जो ये चल रहा है, आपसी रिश्ता जो चल रहा है, उसके अंदर फिर जनता की बात कौन करेगा। तो हमें ये लगता है कि कलाकार चाहे कोई भी हो, चाहे नुक्कड़ नाटक करने वाले हों, गीत गाने वाले हों, फिल्म बनाने वाले हों, TV पे काम करने वाले हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे हों। तो इसलिए ये साझा जो कार्यक्रम है या जो साझी संस्कृति है मज़दूरों की, किसानों की, कलाकारों की, उसको और भी ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है। और आज के दौर में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरत है मज़दूरों का और कलाकारों की एकता जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इम्प्रेशंस जो होते हैं, जो परसेप्शन जो बनता है, वो कला के माध्यम से ज़्यादा नज़दीक अपने आप को टच करने की कोशिश करता है, अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश करता है मज़दूर और आम जनता भी। कलाकार की कला के साथ जब अपने आप को जोड़ती है और उससे जो प्रेरणा लेती है, तो उससे मज़दूर आंदोलन को और ज़्यादा उत्साह के साथ अपना काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के दौर में जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने की कोशिशें की जाती हैं, ऐसे दौर में मजदूर और कलाकारों का साझा जो कार्यक्रम है और आगे जाके साझे कार्यक्रम करने चाहिए, इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मजदूर आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी दिन है, क्योंकि ये दिन है जब एक बार फिर से हम ये प्रण लेते हैं कि एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान को बरकरार रखने के लिए हम एक बार फिर से संघर्ष में जुड़ने का प्रण लेते हैं। अभी जो कुछ इस देश में चल रहा है, ऐसे हालात में ये बहुत ज़रूरी है
के मजदूर, कलाकार, किसान, बुद्धिजीवी, सबके सब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, सबके सब इस संघर्ष में उतरे ताकि भारत का जो मुस्तकबिल है, भारत का जो भविष्य है, वो और बेहतर बन सके। कांप रही सरमाएदारी, खुल के रहेगी इसकी पोल। हल्ला बोल भाई, हल्ला बोल भाई, हल्ला बोल भाई, हल्ला।